हिंदू धर्म में श्राद्ध का काफ़ी महत्व है। पंचांग के अनुसार अश्विन मास के साथ ही श्राद्ध की शुरुआत हो जाती है। इस साल 20 सितंबर से श्राद्ध प्रारंभ हो रहे हैं। इन्हें पितृपक्ष भी कहा जाता है। पितृपक्ष में पितरों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध और तर्पण किया जाता है। कहते हैं कि पितृपक्ष में पंचबलि भोग का कर्म हर किसी को अपने पितरों के लिए करना ज़रूरी होता है। कहते हैं अगर श्राद्ध के दिनों में पंचबलि भोग नहीं लगाया तो फिर पितर नाराज होकर भूखे चले जाएंगे और ऐसे में आत्मा भूखी रह जाएगी। ऐसी मान्यता है कि पंचबलि भोग से प्रसन्न होकर पितर अपने वंशजों को खूब आशीर्वाद देते हैं। आइए जानते हैं पंचबलि भोग क्या होता है और इसे कैसे करना चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल धर्म को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे हमारे आगे आने वाले वीडियोस आप तक तुरंत पहुंच सकें। धार्मिक मान्यता है कि पितृपक्ष में पितरों के साथ 5 विशेष प्राणियों को श्राद्ध का भोजन कराए जाने का नियम है। कहते हैं कि अगर पितृपक्ष में इन्हें भोजन कराया जाता है तो पितर इनके द्वारा खाए अन्न से तृप्त हो जाते हैं। इनमें वो 5 जीव हैं। गौबलि। पितृपक्ष में पहला भोग पवित्रता की प्रतीक गौ माता को खिलाना चाहिए। गौ माता के भोग लगाते समय मंत्र का स्मरण करना चाहिए। शास्त्रों में वर्णन है कि पितरों का श्राद्ध करते समय दूसरा भोग कुकुर यानी कुत्ते को खिलाना चाहिए। कुकुर को कर्तव्य निष्ठा का प्रतीक माना जाता है। पंचबलि में तीसरा भोग काक यानी कौवा को लगाया जाता है। इनके अन्य खाने से पितर तृप्त हो जाते हैं। चौथा भोग देवत्व सर्वाधिक शक्तियों को लगाया जाता है। इसके लिए ये भोग छोटी कन्या या किसी गाय को खिलाया जाता है। पंचबलि में 5वां भोग चींटियों को लगाया जाता है। ये चींटियाँ श्रम निष्ठा और सामूहिकता का प्रतीक है। अब चलिए जानते हैं कैसे लगाते हैं पंचबलि भोग। हर योनि में संव्याप्त जीव चेतना की तुष्टि हेतु भूत यज्ञ किया जाता है। पंचबलि भोग लगाने के लिए 5 केले के पत्ते या 1 बड़ा पत्तल लें। उसमें 5 जगह भोजन रखें। भोजन में उड़द की दाल की टिक्की और दही रखें। इन्हें 5 हिस्सों में बांट दें और पंचबलि भोग गौ कुत्ता कौवा देव और चींटियों को खिला दें। इन सभी जीवों का मंत्र बोलते हुए अक्षत छोड़ते हुए पंचबलि समर्पित करें।